अमेजिंग कुछ भी हो ना मेरे सर पे लगा लो लुक एट द व्यू अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ डे बाय डे विद जासू आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना रेडी होके क्यों बैठी हूँ तो मैं और जावेद आज जा रहे हैं लंच करने के लिए और जैसे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है हम लोग कहीं बाहर गए नहीं हैं नॉर्मली हमें कभी इतना टाइम हुआ नहीं है घर पे और हम लोग जल्दी जल्दी घूमने जाते रहते थे बट कुछ टाइम से कुछ ना कुछ हो रहा है जैसे कि पहले आप लोगों को पता ही है कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी देन उसके बाद बर्फ़ पड़ने लगी तो आज हम जा रहे हैं घूमने और आप भी चलिए हमारे साथ और आज इतने टाइम बाद इतना अच्छा सुहाना मौसम था इतनी अच्छी धूप निकली थी तो आज घूमने जाना तो बनता ही था यस हाय हमें इस टाइम बिल्कुल रोड के बीचों बीच कुछ नहीं होगा तो डर क्यों नहीं हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप व्यू देखिए लुक एट द व्यू लुक अच्छे से ले लिया हम आए हैं अभी लंच करने के लिए आज बाहर सो लेट्स सी कि हम क्या ऑर्डर करते हैं चलो चलते हैं ठीक है हम लोग अभी आए हैं रेस्टोरेंट लंच करने के लिए सो हम लोग सोच रहे हैं कि पहले हम लोग करेंगे बिरयानी ऑर्डर सो लेट्स सी कि बिरयानी आज कैसी होती है अच्छी है कि नहीं है जावेद का दिन है बिरयानी खाने का नहीं जावेद का नहीं है मेरा खुद का दिल है बिरयानी खाने का कुछ भी हो ना मेरे सर पे लगा लो तो आपका क्या खाने का दिल है तुम्हारा क्या दिल जा रहा है खाने को मेरा तो बिरयानी खाने को दिल जा रहा है फिर उसके बाद भी कुछ और भी करेंगे ऑर्डर अरे आज तो प्लेट चेंज हो गई है क्या बात है अभी हुई है दो चार दिन पहले अच्छा हाँ अभी चेंज हुई है बाहर का सब सो दिस इज़ बिरयानी और इनकी बिरयानी बहुत अमेजिंग और बहुत टेस्टी होती है सो लेट्स सी आज कैसी है भी ट्राई करती हूँ बिरयानी बहुत अच्छी बनी है बहुत टेस्टी बनी है बहुत अमेजिंग और बिरयानी के साथ साथ हमने ऑर्डर करा चिकन कोरमा विद रुमाली रोटी एंड बिरयानी तो बहुत ज़्यादा आज की अच्छी थी इनकी कैसा है अमेजिंग कैफे छोटा सा कैफे है बट इनका बहुत चलता है माशाल्लाह माशाल्लाह इनका बहुत ज़्यादा कैफे चलता है क्योंकि आज हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है और आपको पता ही है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम से स्नोफॉल हो रही थी सो आज हम काफ़ी टाइम बाद मार्केट आए हैं सो लेट्स सी कि हम क्या क्या लेते हैं
लंच के बाद हमें जो कुछ भी शॉपिंग करनी थी वो हमने कर ली थी। शॉपिंग के टाइम मैंने अपनी कुछ भी वीडियो शूट नहीं करी थी। शॉपिंग करने के बाद जावेद ने कहा कि हम पहले घर नहीं जाएंगे, काफ़ी टाइम बाद घर से बाहर निकले हैं तो थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं, उसके बाद ही घर जाएंगे। तो हम चले गए थे थोड़ा टाइम स्पेंड करने एक दूसरे के साथ, और उस दौरान थोड़ी बहुत कुछ वीडियो शूट करी थी, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। हम इस टाइम कहाँ हैं मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट हैव अ लुक। बहुत ही प्यारी जगह है ये, और वो आ रहे हैं जावेद। यहाँ हमने एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करा था। आप वीडियोस एंजॉय कीजिए, साथ साथ मैं आपके साथ अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। अक्सर शादी के बाद हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कई बार हम अक्सर ये भूल ही जाते हैं कि हमारी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि है अपने रिश्ते को टाइम देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। Try to take some time out and spend some quality time with your spouse. आपके लाइफ में कितने भी सारे फ्रेंड्स हों, लेकिन जो एक फ्रेंडशिप और बॉन्ड आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं, वैसा बॉन्ड आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। एंड फॉर दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यू हैव टू गिव टाइम टू ईच अदर। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पता नहीं जावेद हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, कोई नई जगह हम जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पर जाते हैं, और बता भी नहीं रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हो? चलो चलो आगे आगे। यार लेकिन वो खूबसूरत तो भेज रहे हो, क्या है ये? तुम पहले आए हो यहाँ पे? तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ। लेकिन इसमें सिर्फ वॉक करने का ही है ना, मतलब इसमें वो नहीं है। लेकिन यार ये कितना हिल रहा है ना। बट बहुत खूबसूरत है। वाह कैमरा क्लीन था। ये क्या जगह है? बारामूला का ही है ये पुल, पता नहीं कौन सा पुल है, ब्रिज है ये, क्या नाम देते हैं, बट ये बहुत खूबसूरत है। हिलता बहुत है ना, बहुत ज्यादा हिल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जरा सा अगर कोई दो बंदों से ज्यादा चल रहा है ना तो पता नहीं, फिर तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा हिल रहा है। हाँ। बट मजा भी आ रहा है, जैसे झूला झूल रहा है। झूला झूल रहा है। जावेद इतना अच्छा आ रहा है वीडियो में यार, मतलब जैसा है वैसा आ रहा है, लेकिन बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बस अब हम लोग जा रहे हैं, हम काफ़ी ज़्यादा घूम लिए हैं तो वो अब काफ़ी थक गए हैं, हम चले अपने घर एक बार। निकल गए आगे, मैं वीडियो शूट करने में लगी थी वो निकल गए। मौसम आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा काफ़ी खिली खिली धूप है। ये रही मैं और वो रहे जावेद। और बस हम इसके बाद गए थे बेकरी शॉप पर, यहाँ से हमें कुछ मिठाई पैक करानी थी
एंड कुछ स्नैक्स भी पैक कराने थे, तो वही हमने कराया। और ये देखिए गाजर का हलवा और गुलाब जामुन, मुंह में पानी किस किस के आया। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को कौन से मिठाई पसंद है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद जावेद ने कहा कि जब आए हैं तो थोड़ा बहुत कुछ पी लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, भूख नहीं लग रही थी, प्यास लग रही थी। तो जावेद ने ली थी ये लस्सी, ये उनको लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और प्लस आपको मैं एक बात बोलूं, कश्मीर में नमकीन लस्सी मिलती है, हमारी साइड मीठी लस्सी मिलती है, यहाँ नमकीन लस्सी मिलती है, आई डोंट नो वाई। तो मुझे वैसे भी दोनों तरह की लस्सी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए करी थी कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर। तो जावेद अपनी लस्सी इन्जॉय कर रहे थे, साथ साथ मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक इन्जॉय कर रही थी। और थोड़ा पूरा दिन हमें घूमते घूमते हो गया, तो हम थोड़ा अब रिलैक्स कर रहे थे और थोड़ा सा अपना मोबाइल चेक कर रहे थे। मैं शूट कर रही थी, जावेद अपना कुछ मोबाइल में चेक कर रहे थे। बस आप में से जो लोग भी बारामूला से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो लोग बारामूला से नहीं भी देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये जानना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और बस इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। कश्मीर में टू व्हीलर ड्राइव करने का कुछ अपना अलग ही मज़ा है। जब से स्नोफॉल हुई थी तब से टू व्हीलर ड्राइव नहीं कर पा रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी आज, इसलिए मैंने स्पेशली जावेद से इंसिस्ट करा कि नहीं प्लीज़ आज हम टू व्हीलर पर ही चलेंगे। जावेद पहले नहीं मान रहे थे बट मेरे इंसिस्ट करने पे वो मान गए एंड सीरियसली इट वाज वर्थ इट। बाकी आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड अगर आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।